नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है 23 जनवरी के लिए, यानी कि ट्यूसडे के लिए, जिसमें मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी पे, जिसके साथ साथ अमेरिकन मार्केट के हाल चाल लेंगे, FII DII के डेटा देखेंगे और लास्ट में ऑप्शन चेन की एनालिसिस करके करेंगे वीडियो का एंड। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट मैसेज आप मिस ना कर पाए। उसके साथ साथ अगर आप सब इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां पर आप देख सकते हो मैंने निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट खोल के रखा है। आज निफ्टी 50 में क्या हुआ? आज निफ्टी 50 में हमें वीकनेस दिखाई दी। अब वीकनेस क्यों दिखाई दी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देखोगे कि आज हमें निफ्टी 50 की एक गैप अप ओपनिंग देखने मिली थी, जिसने अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था और अपना एक नया हाई बनाया था, यानी कि 21,720 का हाई बनाया था, पर वहां से एक रिजेक्शन हमें देखने मिला, जिसके वजह से यह मालूम पड़ता है कि अभी भी यहां पर बेयर ही डोमिनेट कर रहे हैं और जब तक यहां पर 21,700 के ऊपर मार्केट हमें जाता हुआ देखने नहीं मिलेगा, तब तक यहां पर एक कंसोलिडेशन फेज बना रहेगा और यहां पर एक डाउनफॉल भी हमें देखने मिल सकता है। पर यहां पर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हुई है निफ्टी 50 में। यहां पर अगर आप देखोगे डेली चार्ट पर, तो डेली चार्ट पर क्या फॉर्म होते हुए दिखा है, डेली चार्ट पर आप देखोगे कि हमें डाउनफॉल तो देखने मिला है पर अपने इस इंपॉर्टेंट 30-डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी निफ्टी 50 हमें ट्रेड करता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है निफ्टी 50 के लिए, जिसके वजह से यहां पर एक पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है। पर यहां पर एक और चीज देखने लायक है, यहां पर आप देखोगे कि जो कल की हमें कैंडल देखने मिली थी और आज की जो हमें कैंडल देखने मिली, ये दोनों कैंडल में बहुत ही फर्क है। आज की जो कैंडल हमें देखने मिली उसने पूरा एक फुल्ली इंगल्फ कर लिया है प्रीवियस कैंडल को, जिससे यह मालूम पड़ता है कि यहां पर हमें एक नेगेटिव ट्रेंड देखने मिल सकता है, पर यहां पर वॉल्यूम हमें बहुत ही कम देखने मिले हैं, जिसके वजह से यहां पर एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें बनता हुआ दिखेगा बहुत जल्द। उसके बाद अगर हम बात कर ले इनके ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में यहां पर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रेजिस्टेंस बन जाता है निफ्टी 50 के लिए, वो बन जाता है 21,600 इनिशियल सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद 21,700 तो है ही है, पर 21,600 इसलिए बन जाता है क्योंकि यहां पर आप कॉल राइटर देखोगे तो 1,13,709 कॉल राइटर बैठे हैं, जिसके वजह से आज जो हमें क्लोजिंग देखने मिली वो 21,600 के नीचे देखने मिली। उसी के साथ साथ अगर आप यहां पर पुट राइटर देखोगे 21,600 पर, तो 21,600 पर हमें जो पुट राइटर देखने मिल रहे हैं वो 1,03,491 पुट राइटर देखने मिल रहे हैं। मतलब यहां पर जो टक्कर हो रही है कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर की, वो एकदम बराबर हो रही है, जिसके वजह से कंसोलिडेशन फेज भी देखने मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात कर ले ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की, तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में भी अब उतना कुछ ह्यूज डिफरेंस हमें दिखाई दे नहीं रहा है, जिसके वजह से ट्यूसडे के दिन या तो हमें कंसोलिडेशन देखने मिलेगा या तो एक बड़ा मोमेंटम बनता हुआ देखने मिलेगा निफ्टी 50 में। यहां पर आप देखोगे जो कॉल राइटर है वो 25 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर लेके बैठे हुए, वहीं पर जो पुट राइटर्स है वो 18 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हुए, जिसके वजह से कंसोलिडेशन फेस हमें देखने मिल रहा है। पर यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ट्यूसडे के दिन हमें यहां पर एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा, क्या हमें यहां पर एक गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगी या गैप डाउन ओपनिंग देखने मिलेगी। देखो, जिस तरीके से आज कैंडल की फॉर्मेशन हुई है उसे देख के ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने मिलेगा, पर यहां पर 21,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए। जब तक इसके ऊपर है तब तक टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, पर अगर यहां पर इसको ब्रेक करता है तो एक बड़ा डाउनफॉल देखने मिलेगा और 21,300 के पास भी हमें देखने ये मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हुई है। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। यहां पर आप देखोगे मैंने FII और DII का डेटा खोल रखा है। यहां पर आप देखोगे मैंने 19 जैन का डेटा खोल रखा है। 19 जैन के दिन हमें क्या देखने मिला था, निफ्टी बैंक में एक बहुत ही बड़ी हमें बाइंग देखने मिली थी, किसकी तरफ से, FII और DII की तरफ से। ऑलमोस्ट 6,783 करोड़ की हमें बाइंग देखने मिली थी, वहीं पर हमें सेलिंग देखने मिली थी निफ्टी 50 में, जिसके वजह से आज जो हमें निफ्टी 50 है वो नेगेटिव में बंद होता हुआ देखने मिला है और बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में बंद होता हुआ देखने मिला है। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी के लिए एक और पॉजिटिव न्यूज है, वो ये है कि HDFC बैंक ने ऑलमोस्ट अपना एक सपोर्ट बना लिया है। अब वहां से हमें एक अप ट्रेंड देखने मिल सकता है HDFC में, जिसके वजह से हमें बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। और अगर बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम बनेगा तो नो डाउट निफ्टी 50 में भी बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देखोगे कि आज हुआ क्या, आज बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिली थी, जिसके बाद बैंक निफ्टी ने एक लो बनाया, ऑलमोस्ट 45,652 का लो बनाया, जिसके बाद वहां से हमें एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने मिली और जो हमें क्लोजिंग देखने मिली वो 46,058 की देखने मिली, जिसके बाद यहां पर एक बहुत ही अच्छी चीज फॉर्म होती हुई दिखी है। यहां पर एक पिन बार टाइप कैंडल फॉर्म होते हुए दिखा है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर,
पर यहां पर जो हमें वॉल्यूम देखने मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 50% कम देखने मिल रहे हैं प्रीवियस कैंडल से, जिसका मतलब यह है कि यहां पर एक पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत तो हुई है पर इसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि बहुत जल्दी यहां से हमें एक अप ट्रेंड देखने मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे अप ट्रेंड देखने मिले पर एकदम सडनली अप ट्रेंड देखने नहीं मिल सकता हमें बैंक निफ्टी में। उसके बाद अगर आप बात करोगे इनके ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हुई है। यहां पर अगर सबसे पहले आप देखोगे ओआई चेंजेस, तो ओआई चेंजेस हमें काफी देखने मिले हैं किस साइड, कॉल साइड, जिसके वजह से आज एक बड़ा मोमेंटम हमें बनता हुआ दिखा था बैंक निफ्टी में। यहां पर आप देखोगे बहुत सारे नंबर जो है कॉल राइटर्स के साइड हमें स्क्वायर ऑफ होते हुए दिखे हैं, जिसके वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम बना बैंक निफ्टी में। अगर अब हम बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो जो एक इनिशियली सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए अभी वो है 46,000, नो डाउट, क्योंकि 46,000 पर अगर आप पुट राइटर देखते हो तो ऑलमोस्ट 1,56,934 पुट राइटर देखने मिल जाते हैं, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है, जिसके वजह से यहां पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनता हुआ हमें देखने मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बैंक निफ्टी के लिए, तो नो डाउट 45,500 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक उसके ऊपर है तब तक यहां पर एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी मुझे बनता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में वो 46,500 है, क्योंकि 46,500 अगर आप चार्ट पर भी देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा आपको। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो ऑप्शन चेन में भी काफी कॉल राइटर हमें यहाँ पे बैठे हुए देखने मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1,54,099 कॉल राइटर देखने मिल रहे हैं, जिसके वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है बैंक निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी में हमें ट्यूसडे के दिन क्या देखने मिल सकता है, जिस तरीके से आज कैंडल की फॉर्मेशन हुई है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर मुझे एक गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगी, और अगर यहां पर गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है तो 46,500 को 101% बैंक निफ्टी टच करेगा, और अगर बैंक निफ्टी ने गलती से 46,500 को भी ब्रेक कर दिया तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड बन जाएगा, जिसके बाद एक बहुत ही अच्छा हमें मोमेंटम देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में। उसके बाद अगर हम बात कर ले अमेरिकन मार्केट की, तो अमेरिकन मार्केट के भी हालचाल अब ठीक हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम है इंडियन मार्केट के लिए। यहां पर आप देखोगे डाउ जॉन की जो हमें क्लोजिंग देखने मिली है वो 1% से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देखने मिली है। वहीं पर अगर हम बात कर ले नैसडेक की, तो नैसडेक की क्लोजिंग हमें ऑलमोस्ट 2% के करीब करीब होते हुए दिखी है, जिसके वजह से एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनेगा इंडियन मार्केट में, और ट्यूजडे के दिन इंडियन मार्केट में भी एक बहुत ही अच्छा हमें अप ट्रेंड देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको अपने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल चुके हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि मैंने जो भी एनालिसिस आप लोग को दिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी पर्पज के लिए है, वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछ के कीजिए। थैंक यू।